इस मंदिर की ये मानता है कि जब श्री रामचंद्र भगवान 20 से 25 लाख श्रद्धालु आते सीता जी के लिए लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़ी गई, तो इस बार भी इतने श्रद्धालु आएंगे यहाँ से कम 20-25 साल से मंदिर के ट्रस्ट के प्रशासन के साथ। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। विदिशा जिले में 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित करीला धाम में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी रंगपंचमी पर 3 दिवसीय करीला महोत्सव मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी सीता मैया के दर्शन कर धर्म लाभ लिया। बता दें कि करीला धाम में सीता मैया अपने दोनों पुत्रों लव कुश के साथ विराजमान है। अशोकनगर से 35 किलोमीटर दूर करीला नाम का स्थान है, जहां प्रसिद्ध जानकी माता का मंदिर स्थित है। इस स्थान को लव कुश के जन्म स्थान के रूप में भी जाना जाता है। रंगपंचमी पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेले का आयोजन प्रतिवर्ष होता है, जिसमें प्रसिद्ध राय नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। इसे मन्नत का मेला भी कहा जाता है। मान्यता है कि मन्नत पूरी होने पर दूर दूर से भक्त राय करने माँ जानकी के दरबार आते हैं। इस भव्य मेले का आयोजन करीला धाम ट्रस्ट एवं प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्थित तरीके से किया जाता है। इसमें लाखों श्रद्धालु देश के कोने कोने से पहुँचते हैं। यहाँ पर अशोकनगर प्रशासन पुलिस सहित विदिशा जिला प्रशासन पुलिस द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे दूर दूर से आने वाले भक्तों को किसी प्रकार की समस्या न हो। 20 बिस्तरों का अस्पताल, पेयजल व्यवस्था एवं मेला व्यवस्था का भरपूर इंतजाम किया गया है। मेरा नाम राम बाबू, राजपुर का रहने वाला पंडित राम बाबू त्यागी। कितने समय से आप यहाँ पे हैं? यहाँ से कम 20-25 साल से हो रहा है। यहाँ से इस मंदिर की क्या मान्यता है? इस मंदिर की ये मान्यता है कि जब श्री रामचंद्र भगवान रावण के लिए धराशायी करके अपने घर आए थे, वो सीता जी के लिए लक्ष्मण जी के द्वारा छोड़ी गई थी वन में, इसी जगह पर तो वहाँ पर वाल्मीकि जी का आश्रम था केवल, तो यहाँ आकर के उन्होंने अपना निवास काल बनाया जिस तरह से बना। प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी काफी बड़ी संख्या में, जैसा कि बताया गया है कि लगभग 20 से 25 लाख श्रद्धालु आते 29, 30 और 31 तीनों दिन मिला के, तो इस बार भी इतने श्रद्धालु आएंगे। उन्हीं की पूरी व्यवस्थाओं के लिए आज सभी जिले के अधिकारियों के साथ ये हमारी चौथी पांचवी मीटिंग है, तो वो मीटिंग की है और हम पूरी तरीके से तैयार हैं। मंदिर के ट्रस्ट के प्रशासन के साथ पूरा जिला प्रशासन भी लगा हुआ है। सुरक्षा के मामले को लेकर और पानी की व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए आपको? हाँ, सुरक्षा की भी पर्याप्त इंतजाम है। एसपी साहब स्वयं उपस्थित हैं और आईजी साहब ने भी विजिट करके समीक्षा की है। पानी के लिए इस बार काफ़ी अच्छी व्यवस्था रहेगी। प्रतिवर्ष की अपेक्षा इस बार हमने नई पाइपलाइन भी डाली है, पुराने जो स्टैंड पोस्ट थे उनको भी चालू किया है। इसके अलावा हमारे 350 टैंकर पूरे ज़िले के विभिन्न जगहों से हम मंगा रहे हैं, और उन टैंकरों के अलावा हमने कुछ बोरिंग भी की है, उसमें पानी अच्छा निकला हुआ है, तो इस बार हम पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे। द खबरदार न्यूज से विदिशा से आशीष शहले की खास रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।